वीरवार को भिवानी बस स्टैंड परिसर में हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ व रोडवेज कर्मचारी यूनियन संबंधित महासंघ की संयुक्त संघर्ष समिति ने उप महासचिव राम आश्रय यादव के निलंबन व उत्पीड़न की कार्यवाही के विरोध में सरकार के खिलाफ 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि कोई भी आंदोलन उत्पीड़न से नहीं समस्या के समाधान से रोका जा सकता है। सरकार किसी गलत फहमी में न रहकर कर्मचारी के उत्पीड़न की कार्यवाही को वापस ले करके प्रदर्शन रहे आपका आज का जो ये हमारा 2 घंटे का प्रदर्शन है, ये हमारे जो 7 अगस्त को राष्ट्रव्यापी जो रोड सेफ्टी बिल को लेकर के स्ट्राइक की गई थी, उसको लेकर के हमारे अधिकारी और मंत्री जो हैं वो हमारे जो नेता हैं उनके ऊपर उत्पीड़न की कार्रवाई कर रहे हैं और कर्मचारियों के ऊपर 200 कर्मचारियों पर जो उत्पीड़न की बात कर रहे हैं और 700 बसें हायर करने की बात कर रहे हैं उनके ऊपर आज ये 2 घंटे का प्रदर्शन और फरीदाबाद डिपो के अंदर पूर्ण रूप से आज 1 दिन की स्ट्राइक रहेगी। इन्हीं मुद्दों को लेकर के आगे अगर सरकार 24 घंटे के अंदर साथी के बहाली के आदेश कर देती है और 700 बसें जो हायर करने की बात कर रही है उनको निरस्त करे और इसी प्रकार से जो 900 कर्मचारियों के ऊपर उत्पीड़न की बात कर रही है उसको भी विड्रा करके और टेबल के ऊपर बात करे सरकार, नहीं तो हमारी जो राज्य कमेटी आगे जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी हमारी बनी हुई है वो फैसला लेगी, बड़ा आंदोलन करेगी, तो कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार के आंदोलन में पीछे नहीं हटेगा चाहे उसे कुर्बानी भी कौन देनी। किस मुद्दे को लेकर के आज आपका प्रदर्शन? नरेंद्र दिनोद, राज्य वरिष्ठ प्रधान हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन एवं सुख संघर्ष समिति के वरिष्ठ सदस्य। हम ये कहना चाहते हैं कि हमने पूरे हरियाणा के अंदर 7 तारीख को हड़ताल की, उसी टाइम हरियाणा सरकार ने नोटिस निकालने की कोशिश करी कि जो नए चालक जिन्होंने हड़ताल की है उनको हम नौकरी से बाहर निकालेंगे। हमने आपातकालीन मीटिंग करके जींद के अंदर ये बता दिया था कि जिस दिन भी किसी कर्मचारी के ऊपर हड़ताल के मामले में कार्रवाई की उसी दिन से हम उसी डिपो में प्रदर्शन करेंगे। आज हम ये कहना चाहते हैं कि फरीदाबाद के अंदर हमारे सुख संघर्ष समिति के साथी हैं राम आश्रय जी, उनको सस्पेंड किया है, उसी के एवज में आज पूरे प्रदेश के अंदर 2 घंटे का प्रदर्शन है। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार उत्पीड़न की कार्रवाई से आंदोलन को दबा नहीं सकती, क्योंकि सरकार की मंशा है कि 735 प्राइवेट परमिट लें और हम ये विरोध करते हैं कि 735 जो प्राइवेट परमिट है वो बिल्कुल भी रोड के ऊपर नहीं आने देंगे। हमारी ये मांग है कि रोडवेज के अंदर 10,000 बसें शामिल हों ताकि 60,000 बेरोजगारों को रोजगार मिल सके और एक जनता को बेहतर सुविधा मिल सके। जी, क्या आपका आगे किस प्रकार का प्रदर्शन रहेगा, उसको लेकर क्या कहेंगे? आज हमारा ये 2 घंटे का प्रदर्शन है 9 से 11। हमारे संयुक्त संघर्ष समिति के वरिष्ठ सदस्य साथी राम आश्रय यादव जी को हमारी जो 7 अगस्त की हड़ताल थी उसके कारण साथी ने हड़ताल में भाग लेने की वजह से साथी को सस्पेंड कर दिया गया है और हेडक्वार्टर का सरसा बना दिया गया है। और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि साथी को या तो बहाल किया जाए, नहीं तो हमारी जो संयुक्त संघर्ष समिति जो भी आगे के संघर्ष का जो भी निर्णय लेगी हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। साथ ही कुछ भी या जाम का भी अनिश्चितकालीन जाम भी लगा सकते हैं, जो भी उन्हें या भूख हड़ताल या जो भी संघर्ष समिति ये निर्णय लेगी उसमें हम फुलकट आएंगे। कोई डेडलाइन वगैरह इसके लिए तय की गई है? हाँ जी, कोई डेडलाइन तय की गई इसको लेकर? हाँ, डेडलाइन तय की गई थी 24 घंटे का दे दिया हमने, 48 या 24 घंटे, मतलब इस दौरान अगर इसको बहाल नहीं किया गया तो हम कुछ भी करने से जो भी संघर्ष समिति निर्णय लेगी उसमें हम बढ़कर के हिस्सा लेंगे।